सो गाइस, आप सभी को सबसे पहले तो इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों को करना है कि आपको जाना ऐड फोटो में, यहाँ से ऐड करना है आप सभी को अपने मॉडल को। एंड गाइस, मॉडल को ऐड करना है। एंड उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे जैसे आप मॉडल को ऐड करोगे आपको जो है गाइस यहाँ पे इस तरीके से आपको अपने मॉडल को ऐड कर देना है। ठीक है, इसको भी मतलब कि यहाँ पे शेडो वगैरह भी बनानी है, तो अभी आप लोग ध्यान से देखते रहना। तो आपको क्या करना है, आपको जाना ऐड फोटो में, यहाँ से ऐड करना है आप सभी को एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड। एंड ब्लैक कलर का बैकग्राउंड देख ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसको थोड़ा सा साइज जो है इसका इंक्रीज करना है इस तरीके से। एंड इंक्रीज कर देने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको इसको कर देना है मूव डाउन। एंड मूव डाउन कर देने के बाद जाना है इरेजर टूल में, इसको कर देना है इन्वर्ट। फिर ब्रश लेना है, ब्रश लेने के बाद साइज को छोटा करना है। एंड उसके बाद आप लोगों को जो यहाँ पे शेडो क्रिएट करनी है अपने पैरों के नीचे। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे मैं शेडो आपको इस तरीके से सिखा रहा हूँ, बट मैंने इसके ऊपर जो एक पूरी प्रॉपर वीडियो बना रखी है डिटेल में कि आपको शेडोज कैसे बनानी है। मतलब हर जगह की शेडो जो है अलग अलग तरीके से बनती है, तो सबका मेथड अलग है। तो मैंने उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, उसमें मैंने एकदम डिटेल में बता रखा है। अगर आप चाहो तो वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो अभी मैं शेडो बनाता हूँ गाइस, फिर फटाफट फिर आपको मैं बताता हूँ आपको आगे क्या करना है। ओके गाइस, यहाँ पे शेडो हमारी बन चुकी है। अब क्या करेंगे, हम एक मॉडल लेंगे, यहाँ पे डुप्लीकेट करेंगे इसका। एंड डुप्लीकेट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से जैसे आप डुप्लीकेट करोगे आपको उसको लेके जाना है आपको यहाँ से इफेक्ट वाले ऑप्शन में। ठीक है, इफेक्ट वाले ऑप्शन में ले जाना है। सो इफेक्ट वाले ऑप्शन में आप जैसे ही जाओगे आपको करना है कि आपको ब्लैक एंड व्हाइट लेना है, आपको इसका अमाउंट जीरो करके ऊपर से मर्ज करना है। फिर आपको नेगेटिव वाला लेना है एंड इसको आपको डन करना है। फिर उसके बाद इरेजर टूल में जाकर इन्वर्ट करना है, ब्रश लेना है, ब्रश को आप जो है अपने साइज अपने अकॉर्डिंग रखना है। एंड ओपेसिटी हार्डनेस भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हम जो है ओपेसिटी बाद में कम करेंगे ही वैसे भी। तो यहाँ पे हम जो है इस तरीके से यहाँ पे एक पेंट करेंगे, मतलब यानी कि इसे हम डोज एंड बर्न भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो बनी पड़ी है, तो आप उसके वीडियो को भी जाकर देख सकते हो। मतलब ये छोटी मोटी चीज़ें जो होती है ना, इनके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियोज़ बना रखी है, तो आप देख सकते हो जाके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक चेक करना, आपको जो है काफ़ी सारी वीडियोज़ जो है मैंने मतलब कि अलग अलग टॉपिक पर बना रखी है, जो कि आपको हेल्प करेगी एडिटिंग में। तो आप चाहो तो उन वीडियो को जाकर देखना, आपको हेल्प करेंगी। तो बाकी का जी हमारा इतना काम हो चुका है, अब क्या करेंगे हम इसकी जो ओपेसिटी यहाँ पर कम कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे रख लेंगे हम इसको 16 तक। ओके गाइस, सो इतना हो गया हमारा। अब क्या करेंगे हम जो है इसको यहाँ से कर लेंगे डन। ओके गाइस, सो यहाँ से जो हमारा पिक्सल आर्ट का काम खत्म होता है, तो हम क्या करेंगे इसको सेव कर लेते हैं। इसको सेव करके लेके चलते हैं लाइटरूम ऐप में, क्योंकि वहाँ पर ही रीटच करके हम फोटो को जो है और भी ज़बरदस्त बनाएंगे। तो लाइटरूम ऐप में ऐड कर लिया हमने, अब चलते हैं स्लाइड वाले ऑप्शन में। पहले करेंगे इसका कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज, हाईलाइट्स को कम। ठीक है, एंड जो शेडोज है इसको भी बढ़ा देंगे थोड़ा सा, एंड उसके बाद ब्लैक्स को थोड़ा कम कर देंगे। ठीक है, परफेक्ट है यहाँ पे। तो मैं ब्लैक्स थोड़ा सा और कम कर लेता हूँ। अब चलते हैं यहाँ से कलर्स में, फिर यहाँ पे वाइब्रेशन बढ़ाएंगे एंड जाएंगे हम मिक्स में। मिक्स में जाने के बाद ऑरेंज कलर लेंगे, इसका जो ल्यूमिनस है हम इसको बढ़ा देंगे। ठीक है, एंड जो ह्यू है ना थोड़ा सा इसको माइनस की तरफ रखेंगे, ताकि थोड़ा सा ना ऑरेंज टोन बना रहे फोटो वाला फेस के ऊपर। एंड यहाँ चलते हैं डार्क ब्लू में। अब ब्लू कलर है जो ऐसे कि गाइस हम यहाँ से जो इसका ह्यू माइनस कर देंगे एंड जो सैचुरेशन को बढ़ा देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से कर देंगे डन। इतना हो जाने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से जाएंगे नीचे वाले टूल में, यहाँ पे हम फोटो की क्लियरिटी बढ़ा देंगे एंड यहाँ पे हल्का सा बिगिनर डाल देंगे अपने फोटो के अकॉर्डिंग। फिर जाएंगे नीचे वाले टूल में, यहाँ पे शार्पनेस बढ़ा देंगे एंड फाइनली हमारी जो फोटो है कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।